चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केरल के कोलम में पुंतिकल मंदिर में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। मंदिर में आग लगने से 84 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। केरल में 4 दिनों बाद नए साल का उत्सव मनाया जाना है। नए साल के जश्न से पहले मंदिर में पूजा का आयोजन किया गया था। इसी पूजा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में उत्सव के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे, इसी दौरान आग लग गई। मंदिर में तड़के सुबह 3:30 बजे आग लगी और इस हादसे में देवास्वम बोर्ड बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैट मिडिलटन आज से 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। दोनों आज मुंबई में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जबकि 12 अप्रैल को दोनों पीएम मोदी के साथ लंच करेंगे। प्रिंस और कैट का ये पहला भारत दौरा है। एनआईटी श्रीनगर में रात 2 बजे छात्राओं ने फिर मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। छात्राओं ने ट्विटर पर भेजे संदेश में लिखा कि यहां कुछ भी सामान्य नहीं है। एनआईटी छात्र मंगलवार को लाठीचार्ज की घटना के बाद से ही दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई और संस्थान शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। आज दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष शरद यादव ने चंद दिन पहले ही पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। शरद यादव करीब 2003 में पार्टी के गठन से लेकर अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। चर्चा थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इन चर्चाओं को भी जेडीयू ने खारिज कर दिया। ऐसे में आज नजर रहेगी कि आखिर जेडीयू के किस नेता को पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाया जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही नीतीश ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत की। श्रीनगर एनआईटी छात्रों के समर्थन में दिल्ली से तिरंगा लेकर निकले करीब 150 लोगों को पुलिस ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लखनपुर पर रोक दिया। वहीं दल में शामिल लोगों ने कहा कि वो श्रीनगर एनआईटी में तिरंगा फहराकर ही लौटेंगे। शनिवार को दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने वाला आम आदमी सेना के कार्यकर्ता देव प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेद प्रकाश ने दिल्ली सरकार पर सीएनजी स्टिकर घोटाले का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक के कई हिस्सों में भी जल संकट ने मुसीबत बढ़ा दी है। बेल्लारी में पानी की कमी से परेशान लोग घर छोड़ रहे हैं। रायचूर और गुलबर्गा में भी हालात लगातार बदतर हो जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट में नॉन वेलेबल वारंट की याचिका दायर कर सकता है। वहीं 9000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या ने पेशी के लिए ईडी से मई तक का वक्त मांगा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई की एक चुनावी रैली में कहा कि अगर वो सत्ता में वापस आई तो राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन ऐसा अचानक नहीं, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में आज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर चढ़ाएंगे। साथ ही नकवी पीएम की ओर से दरगाह में अमन और एकता का पैगाम भी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत की विविधता कुछ लोगों की सनक की वजह से नहीं बदल सकती। राष्ट्रपति ने सहिष्णुता को भारत की सभ्यता का प्रतीक भी बताया। अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने के मामले में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जूता फेंकने वाला शख्स वेद प्रकाश बीजेपी नेताओं के संपर्क में था, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। मर्सिडीज हिट एंड रन केस में खुलासा हुआ है कि इससे पहले भी अप्रैल और जून 2015 में इस गाड़ी का तेज रफ्तार की वजह से चालान किया गया था और इसके अलावा इस साल मार्च में खतरनाक ढंग से ड्राइविंग के लिए 1000 रुपए का चालान हुआ था, जिसे अब तक नहीं भरा गया है। आरोप है कि हर बार गाड़ी यही नाबालिग आरोपी चला रहा था। मर्सिडीज हिट एंड रन केस में दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थ के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने वक्त रहते सही कार्रवाई नहीं की।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को पहले अर्जुन सिंह मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा हालात में देश के लोकतंत्र, विविधता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद शनिवार को एसजीपीजी अध्यक्ष मनजीत सिंह सिरसा और महासचिव मजिंदर सिंह सिरसा शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे और मनजीत सिंह सिरसा ने कहा कि चाहे जो हो जाए गुरुद्वारे का प्याऊ नहीं तोड़ने दिया जाएगा। दिल्ली में अब हर महीने 15 दिनों के लिए ऑड इवन लागू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और शनिवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली में मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था नहीं होती तब तक इसे हमेशा के लिए लागू नहीं किया जा सकता। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 12 नए बस डिपो बनाए जाएंगे और ये जानकारी शनिवार को परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दी। नए डिपो द्वारिका सेक्टर 22, रानीखेड़ा, बवाना सेक्टर 1, बवाना सेक्टर 5, ईस्ट विनोद नगर और नरेला में बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को किसानों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में पीएम मोदी किसानों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। दुनिया भर से आए होम्योपैथी और 22 देशों से डेलीगेट्स विज्ञान भवन में इकट्ठा हुए। इवेंट का आयोजन लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिक इंटरनेशनल्स ने किया था और कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। कुछ दिन कम रहने के बाद शनिवार को दिल्ली का पारा एक बार फिर चढ़ गया और कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। ब्रिटेन का शाही जोड़ा प्रिंस विलियम और कैट मिडिलटन आज से 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे और शाही जोड़ा सबसे पहले ताज होटल में 26/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देगा और इसके बाद यंग क्रिकेटर्स का मैच देखने ओवल मैदान जाएगा, पाड़गंगा जाएगा और फिर शाम को ताज होटल में आयोजित डिनर में शरीक होगा। मुंबई में आज मेगा ब्लॉक के चलते वेस्टर्न और हार्बर रेलवे के मुसाफिरों को दिक्कतें हो सकती हैं। वेस्टर्न रेलवे रूट पर आज सुबह 11:45 से 12:45 तक अपलाइन और 12:45 से 3:45 तक डाउन लाइन पर मेगा ब्लॉक रहेगा। सांताक्रूज और माहिम के बीच सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:35 तक अप और डाउन फास्ट लाइन पर मेगा ब्लॉक रहेगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 4,500 डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। जेजे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर टीपी लहाने को हटाने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में मार्ट के आह्वान पर ये डॉक्टर हड़ताल पर गए थे और इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक सोशल एक्टिविस्ट ने दायर याचिका कर हड़ताल फौरन खत्म करवाने की मांग की। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन में मुसाफिरों को कंट्रोल करने के लिए रेलवे बाउंसर्स तैनात करेगी और मुंबई में पहली ऐसी ट्रेन 5 अप्रैल को पहुंच चुकी है। इसका ट्रायल रन मानसून से पहले होगा और इसके बाद इसे सेंट्रल रेलवे रूट पर चलाया जाएगा। मुंबई में चल रहे बाबा साहेब अम्बेडकर विचार महोत्सव में शनिवार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई हस्तियों ने शिरकत की। ऐसे ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी महोत्सव में शामिल हुए। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 26/11 के हीरो रहे मुंबई पुलिस का स्निफर डॉग मैक्स की मौत हो गई है। शनिवार को विरार के रिटायरमेंट होम में मैक्स ने अंतिम सांस ली और लेब्राडोर नस्ल के मैक्स ने 26/11 हमले के दौरान होटल ताज से 8 किलो आरडीएक्स का सूंघ कर पता लगाया था और इसके अलावा जावेरी बाजार और 11 जुलाई 2006 के ब्लास्ट में भी पुलिस की काफी मदद की थी। बीएमसी का दावा है कि इस बार मानसून के दौरान लोगों को सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आएंगे। बीएमसी ने इसके लिए सड़कों को दुरुस्त करने के लिए तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। महाडा ने पानी सेवा शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स के रुपए में बकाया 78 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं और अगले महीने 22 करोड़ 81 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। महाडा ने एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत बकाया वसूला जा रहा है। जिन पर बकाया है उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है।
महाराष्ट्र के यवतमाल में दहेज के लिए एक महिला को जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आठवड़ी बाजार इलाके में रहने वाले प्रशांत ने अपनी पत्नी अश्विनी पर कैरोसिन डालकर जलाकर हत्या करने की कोशिश की। पूरी तरह झुलसी अश्विनी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। महाराष्ट्र के परभणी में पानी की किल्लत से परेशान एक महिला ने अपने पति से घर में बोरवेल खुदवाने के लिए कहा, लेकिन जब एक हफ्ते बाद भी पति ने बोरवेल नहीं खुदवाया तो कैरोसिन छिड़क कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। पुणे के सासवड़ इलाके में एक प्रेमी ने खुद को आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक माही इंगले के नाम के शख्स के एक युवती से प्रेम संबंध थे, लेकिन उसकी कहीं और शादी हो गई। शादी के बाद भी माही उससे मिलने का दबाव बनाता रहा, लेकिन गुड़ी पड़वा के दिन माही लड़की के घर के बाहर पहुंचा और खुद को आग लगा ली, जिसमें उसकी मौत हो गई। फ्री में मुर्गा ना देना एक पोल्ट्री फार्म के मालिक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब गुस्साए एसएसबी के जवान ने उसे गोली मार दी। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक पोल्ट्री फार्म मालिक की हालत खतरे से बाहर है। मामला यूपी के लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर इलाके का है। शनिवार को यूपी के आजमगढ़ में प्राथमिक शिक्षक संघ के दो गुट एक विवाद के बाद आमने सामने आ गए। दोनों गुट एक दूसरे पर फर्जी होने का आरोप लगाते रहे। दरअसल दोनों ही एक गुट एक ही वक्त में एक ही जगह पर अपना कार्यक्रम करना चाहते थे। हंगामा इतना बढ़ गया कि एक गुट नाराज होकर सड़क पर उतर आया और सड़क रोड जाम करके प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के जालौन के जिला कारागार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मानसिंह नाम का कैदी कानपुर देहात का रहने वाला था और शनिवार को उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल से उरई रेफर किया गया, लेकिन मानसिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बुंदेलखंड में कर्ज और फसल बर्बादी से परेशान एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। घर से फसल काटने के लिए निकला किसान खेत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या दिखा। राजस्थान के सीकर में खंडेला बस स्टैंड पर तीन शराबियों के एक महिला के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों से परेशान महिला ने तीन में से एक शराबी की बस स्टैंड पर ही जूतों से पिटाई कर दी। यूपी के मऊ में सरकारी पशु अस्पताल में शराब के नशे में धुत कर्मचारी और उसके पिता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उनके घर में घुसकर पिटाई कर दी। हाल ही में इस कर्मचारी को अस्पताल से अनुपस्थित रहने पर नोटिस भेजा गया था। यूपी के शामली में एक नवविवाहिता ने अपने पति को ही ठग लिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। आरोप है कि बबली ने शनिवार सुबह अपने पति और देवर को खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया और उनके बेहोश होने पर सभी जेवर और अन्य सामान लेकर फरार हो गई। आरोपी दुल्हन की तलाश जारी है। पीएम मोदी के हमले में जवाब में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और मोदी पर जमकर निशाना साधा है। आसनसोल में एक रैली के दौरान ममता ने बीजेपी को भयानक जाली पार्टी करार दिया और कहा कि पीएम को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाएगी। चेन्नई के आइलैंड मैदान में रैली को संबोधित करते हुए जया ने कहा कि शराबबंदी के साथ साथ सरकार पुनर्सुधार केंद्र भी खोले। गोवा खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2016 का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने इसका शुभारंभ किया था। पांच दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में आज इसका समापन किया जाएगा। हिमाचल में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। शिमला की एक एनजीओ का कहना है कि राज्य पहले ही 35,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा है और ऐसे में सैलरी बढ़ाने से उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एनआईए टीम शनिवार को कालामसेरी आगजनी कांड के आरोपियों को कोची लाई और 2005 में तमिलनाडु राज्य परिवहन की बस में आग लगने के मामले में एनआईए ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पटना मेडिकल कॉलेज में लावारिस मरीजों की सेवा से रोकने पर सरदार गुरमीत सिंह ने खाना पीना छोड़ दिया है। गुरमीत ने जिद ठान ली है कि जब तक अस्पताल प्रशासन उन्हें लावारिस मरीजों की सेवा करने की इजाजत नहीं देता तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। अहमदाबाद में 87 साल के एक बुजुर्ग अपने खर्च पर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवाते हैं। फुटपाथ पर सोने वाला ये बुजुर्ग चने बेच के अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन किसी की अंतिम क्रिया के लिए हाथ नहीं फैलाते।
कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखे की वजह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जबरदस्त सूखे के कारण यहां पानी के सभी स्रोत सूख गए हैं, जिससे लोगों को 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। झारखंड के दुमका लोग बूंद बूंद पानी के लिए पहाड़ और जंगलों में भटक रहे हैं और इसके पेयजल की किल्लत से निजात नहीं मिल पा रही। मजबूरन यहां के लोग पोखर का पानी पी रहे हैं। शिमला में पानी के संकट से परेशान लोगों ने नेशनल हाईवे 88 पर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि पिछले 10 दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आया है, लिहाजा वाटर सप्लाई जल्द सुचारू की जाए। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के विरोध में इलाहाबाद की कई महिला नेताओं ने बीजेपी के पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनका आरोप है कि दागी केशव के अध्यक्ष बनने से पार्टी की छवि खराब हुई है। बीएचयू में आयुर्वेद पर 18वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद दुनिया में आयुर्वेद को प्राथमिकता दिलाना है। देश के तकरीबन सभी राज्यों से डॉक्टर, वैद्य और प्रोफेसर्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। ताजमहल के नजदीक शिल्पग्राम में पर्यटन मित्र संस्था के पदाधिकारियों ने ताजमहल दर्शन के टिकट की कीमत बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। संस्था की मांग है कि आगरा में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार जल्द जरूरी कदम उठाए। पुलिस भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद भी ज्वाइनिंग न होने से नाराज 1500 अभ्यर्थियों की लखनऊ में पुलिस से झड़प हो गई। ये लोग लक्ष्मण मेला पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे। बेटियों को जन्म देने से नाराज ससुराल वालों ने कानपुर में एक महिला को घर से निकाल दिया। 5 दिन भटकने के बाद महिला ने शनिवार सुबह ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी कोख में बेटा पल रहा था। कानपुर से लखनऊ को जोड़ने वाले रेलवे गंगा पुल पर करीब 35 दिनों का मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान कानपुर उन्नाव आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जर्जर हो चुके इस पुल का टर्फ और पटरियां बदली जाएंगी और इसके लिए बड़ी तादाद में जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती की जा रही है। मेरठ के एक मकान में शनिवार को जोरदार धमाके के साथ जबरदस्त आग लग गई और घटना थाना मबाना क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती की है। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। नोएडा के सेक्टर 11 की एक एक्सपोर्ट कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कंपनी में भारी मात्रा में केमिकल और डीजल रखा था, जिससे आग ज्यादा भड़क गई। हादसे में करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार वाराणसी में हो रहा है और 2 दिन तक चलने वाले इस इंटरनेशनल इवेंट में 12 देशों के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को इसका उद्घाटन यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया। पिथौरागढ़ में 7 दिनों तक चलने वाले पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई है। इस ट्रेनिंग में जिले भर के 25 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान ग्लाइडर को कंट्रोल करने, टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि जिन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, उन्हें भारत में 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। नंद कुमार जसपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। भोपाल में शहीदों के सम्मान में सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीदों को सलामी दी। उज्जैन में शुरू होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए साधु संत उज्जैन पहुंचने लगे हैं। उत्तराखंड से आए गोल्डन बाबा को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। गोल्डन बाबा के शरीर पर 11 किलो सोने के आभूषण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते 4 साल की मासूम की बस से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर और क्लीनर बच्चों से भरी बस छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि बच्ची उल्टी करने के लिए बस से नीचे उतरी थी कि अचानक ड्राइवर ने बस चला दी, जिससे बच्ची बस के नीचे आ गई। बांसवाड़ा में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। हांडियापाड़ा गांव के लोगों को रोजाना 3 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरकर गड्ढों में से पानी लाना पड़ता है। पानी इतना गंदा है कि इसे पीना तो दूर, इससे नहाना भी मुश्किल है, लेकिन ग्रामीण यही पानी पीने को मजबूर हैं। अजमेर में शिवसेना की तरफ से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में अकीदत की चादर पेश की गई। ख्वाजा साहब के 804वें उर्स में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से मुंबई से अजमेर शरीफ की चादर भेजी गई।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत के लिए 373 पाकिस्तानी जायरीनों का दल एक विशेष ट्रेन से अजमेर पहुंचा और इस दल में पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारी भी शामिल। जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी अब चोरी छिपे अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। जेल प्रशासन ने एक ऐसी मशीन का इंतजाम किया है जिससे जेल में मोबाइल का तुरंत पता लग जाएगा। उदयपुर के झाडोल में ओवरलोड जीप पलटने से 5 की मौत हो गई जबकि 16 यात्री घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक जीप नाबालिग चला रहा था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक रद्दी के गोदाम में भीषण आग लगने से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स और क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस गोदाम से सटा हुआ एक पेट्रोल पंप भी है। आग फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। शनिवार को पंजाब के सिरसा में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग ऑटो में सवार होकर अग्रोहा से हिसार आ रहे थे। हादसे के वक्त ऑटो में 12 लोग सवार थे। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में आढ़तियों और मजदूरों ने FCI दफ्तर के बाहर धरना दिया। तमाम हंगामे और देर तक चले धरने के बाद आढ़तियों और मजदूरों ने FCI के EMO को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का कहना है कि पिछले साल लोडिंग के करोड़ों रुपए का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया है। हरियाणा के करनाल से गायब 6 क्लास की 2 छात्राओं का 15 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस मामले में पुलिस ने करनाल के DSP जितेंद्र गहलावत के नेतृत्व में एक टीम बनाई और शनिवार को ये टीम उस स्कूल में पहुंची जहां ये छात्राएं पढ़ती थी। टीम ने कुछ टीचर्स और छात्राओं से भी पूछताछ की। शनिवार को नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय अपने परिवार के साथ अमृतसर में गोल्डन टेंपल देखने पहुंचे। इस मौके पर दुनिया की सलामती के साथ साथ उन्होंने भारत और नेपाल के विकास के लिए भी प्रार्थना की। और दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में पंजाब कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद के मुताबिक बैठक में मुख्य चर्चा आगामी चुनाव को लेकर हुई। बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अंबिका सोनी भी मौजूद थी। बैठक के दौरान शकील अहमद ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा है कि पंजाब का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। सांपला ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामेबाज पार्टी है। पंजाब के नांगल में चोरों ने एक NRI के घर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक चोरों ने 6 लाख की नकदी और जेवरों पर हाथ साफ किया। भिवानी में एक 35 वर्षीय महिला का शव छत से लटका मिला। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यह आत्महत्या का मामला है। वहीं मृतक महिला के पति ने 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। लुधियाना पुलिस ने लूटपाट में शामिल ऑटो गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ पहले से लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। दोनों ऑटो रिक्शा चलाकर सवारियों को निशाना बनाते थे। हरियाणा के पलवल स्टेशन पर मालगाड़ी का एक कोच पटरी से उतर गया। हादसे में रेलवे के 5 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। हादसे के वक्त मालगाड़ी पलवल से रूंधी जा रही थी। आर्थिक संकट और राजनीतिक उठापटक से जूझ रही अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को समर्थन दिखाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अफगानिस्तान का घोषित दौरा किया और कैरी ने देश में शांति और पुनर्वास के लिए गनी सरकार की तारीफ की। फ्रांस में कमजोर लेबर लॉ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। आरोप है कि नए कानून से कर्मचारियों के अधिकार कम हो जाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि उसने मस्तंग बस हमले में शामिल 34 बलूच विद्रोहियों को 2 दिन पहले सेना के ऑपरेशन में मार गिराया है। हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। ब्रसेल्स आतंकी हमले में जांच के लिए ब्रसेल्स में ही एक अपार्टमेंट में तलाशी ली गई लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। चश्मदीदों का कहना है कि तलाशी 3 घंटे तक चली। ISIS की अमाक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि उसने 300 सीमेंट फैक्ट्री कर्मचारियों को रिहा किया है। इन लोगों को 6 अप्रैल को दमिश्क में बंधक बनाया गया था और लोकल निगम अफसरों के साथ बातचीत कर रिहा किया गया। पनामा लीक्स में नाम आने के बाद
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने सफाई दी है कि वो किसी भी गैर कानूनी काम में लिप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी का नाम लिया गया है वो उनके पिता ने शुरू की थी, जो अब बंद हो चुकी है। इटली में जन्मे एक बड़े उद्योगपति के बेटे हैं। पनामा लीक्स में परिवार का नाम आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। जनता का आरोप है कि कैमरन ने ईमानदारी नहीं दिखाई और अब जनता उन पर ट्रस्ट नहीं करती।